आइए अब हम देखते हैं निमोनिया के क्या कारण है या किन कारणों से निमोनिया होता है। निमोनिया मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद और परजीवी द्वारा होता है। हालांकि संक्रामक एजेंटों के 100 से अधिक उपभेदों की पहचान की जा चुकी है। निमोनिया होने के जोखिम कारकों में धूम्रपान, प्रतिरक्षा की कमी तथा मद्यपान की लत, गंभीर प्रतिरोधी फेफड़ा रोग, गंभीर गुर्दा रोग और यकृत रोग शामिल हैं। अम्लता दबाने वाली दवाओं जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या H2 ब्लॉकर्स का उपयोग भी निमोनिया के जोखिम को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया। समुदाय उपार्जित निमोनिया के मुख्य कारक बैक्टीरिया हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लगभग 50% मामलों से जुड़ा होता है। आमतौर पर शामिल अलग तरह के अन्य बैक्टीरिया में 20% हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, 13% क्लेमाइडोफिला निमोनिया और 3% में मीकोप्लाज्मा निमोनिया। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, मोरॉक्सेला कैट्राहेलिस, लेगियानोला न्यूमोफेला और ग्राम निगेटिव बैसिली शामिल है। उपरोक्त संक्रमणों के कई दवा प्रतिरोधी संस्करण अब और आम होते जा रहे हैं, जिनमें दवा प्रतिरोधी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और मेथिसिलिन प्रतिरोधी स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस शामिल है। अब जब रिस्क का कारक उपस्थित हो तो जीवाणुओं के विस्तार को सुविधा मिलती है। मद्यपान की लत, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जुड़ी हुई है। धूम्रपान, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, मोरॉक्सेला कैट्राहेलिस और लेगाइनेला न्यूमोफिला के प्रभावों को पैदा करता है। चिड़ियों से एक्सपोजर कैमिडिया सिटासी के साथ, पालतू जानवर कैक्सिला बुनेर्टी के साथ पेच की सामग्री में बाहरी पदार्थ का प्रवेश, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के साथ और सिस्टिक फाइब्रोसिस, स्यूडोमोनास एरियोजियोसा तथा स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियोसिस से संबंधित है। नेक्स्ट, वायरस। वयस्कों में वायरस लगभग 1/3 मामलों के लिए और बच्चों में लगभग 15% निमोनिया के मामलों के लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर शामिल एजेंटों में राइनोवायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, एडिनो वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा शामिल है। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस नवजात शिशुओं में, कैंसर पीड़ित लोगों, अंग प्रत्यारोपण भी स्वीकार करने वाले और काफ़ी जल गए लोगों के समूहों को छोड़कर बेहद कम निमोनिया पैदा करता है। अंग प्रत्यारोपण करा चुके या प्रतिरोधकता ह्रास होने वाले लोगों में साइटोमोगालो वायरस निमोनिया की उच्च दर होती है। भिन्न भिन्न वायरस वर्ष की भिन्न भिन्न अवधि में प्रबलता दिखाते हैं। अन्य वायरसों का प्रभाव भी कभी कभी होता है, जैसे हंटा वायरस और कोरोना वायरस। फफूंद से होने वाला निमोनिया असामान्य है, लेकिन उन लोगों में अधिक आम तौर पर होता है जो एड्स प्रतिरोधकता विरोधी दवा या अन्य चिकित्सीय कारणों से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम की वीकनेस की समस्या से पीड़ित होते हैं। यह अक्सर हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ब्लास्टोमाइसिस, क्रिस्टोकोकस, नियोफॉर्म्स, न्यूमोनाइटिस, जीरोवेसी और कॉकिया योनेइडेस इमिटेस द्वारा होता है। परजीवी, कई प्रकार के परजीवी फेफड़ों को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, स्ट्रांगी लाइडस, स्टे कोरालिस एस्केरिस, ल्यूम्ब्रिकॉइड्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया शामिल है। ये जीव आमतौर पर शरीर में त्वचा के साथ सीधे संपर्क अंतर्ग्रहण कीट के काटने से दाखिल होते हैं। कुछ परजीवी
विशेष रूप से वे जो एस्केरिस और स्टर्नरी ग्लाइडेट्स प्रजाति से होते हैं, गंभीर स्नोफिलिक प्रतिक्रिया उकसाते हैं, जिसके कारण स्नोफिलिक न्यूमोनिया हो सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि रोग के कारण पैदा हुए क्रियात्मक परिवर्तन को, जो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन लाते हैं इन्फेक्शन होने के बाद। वायरस जनित है तो हम देखते हैं कि वायरस फेफड़ों तक भिन्न भिन्न मार्ग से पहुंच सकते हैं। श्वसन सिंशियल वायरस आमतौर पर तब संक्रमित होते हैं जब लोग संदूषित वस्तुओं को छूते हैं और फिर अपनी आँखों या नाकों को छूते हैं। अन्य वायरस जनित संक्रमण तब होते हैं जब वायु में फैली संदूषित महीन बूंदें मुंह या आँख के रास्ते श्वसन कर ली जाती हैं। एक बार जब ऊपरी वायु मार्ग में पहुँच जाता है तो वायरस अपना मार्ग फेफड़ों में बना लेते हैं, जहाँ से वायु मार्ग एल्यूलोली या फेफड़ा पेनकाइमा से जुड़ी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ वायरस जैसे कि चेचक या हर्पीज सिंप्लेक्स रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक पहुँचते हैं। फेफड़ों पर आक्रमण के कारण भिन्न भिन्न डिग्री की कोशिकाओं की मृत्यु हो सकती है। जब प्रतिरक्षा तंत्र इस संक्रमण पर प्रतिक्रिया देता है तो फेफड़ों को और अधिक क्षति हो सकती है। श्वेत रक्त कणिकाएँ, मुख्य रूप से एकल नाभिकीय कोशिकाएँ, प्राथमिक रूप से सूजन पैदा करती हैं, साथ ही फेफड़ों को क्षति भी पहुँचाती हैं। बहुत से वायरस इसी समय अन्य अंगों को प्रभावित कर सकते हैं और इस प्रकार अन्य शारीरिक क्रियाओं को भी बाधित करते हैं। बैक्टीरिया जनित, अधिकतर बैक्टीरिया गले या नाक में रहने वाले जीवों के प्रवेश से फेफड़ों में शामिल हो जाते हैं। सामान्य लोगों में से अधिक लोगों में ये छोटे जीव नींद के दौरान प्रवेश करते हैं, जबकि गले में हमेशा बैक्टीरिया होते हैं। संक्रामक संभावनाओं वाले वहाँ पर केवल कुछ ही समय तक कुछ विशेष परिस्थितियों में रह पाते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया जैसे माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और लिगियानेला न्यूमोफिला की एक अल्प मात्रा वायु में फैली संदूषित महीन बूंदों के माध्यम से फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। बैक्टीरिया रक्त द्वारा फैल सकते हैं। एक बार रक्त फेफड़ों में पहुंचने के बाद बैक्टीरिया कोशिका के बीच के स्थान में और एल्वियोलोली जहां पर मैक्रोफेब और न्यूट्रोफिल यानी रक्षक श्वेत रक्त गणिकाएं बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने का प्रयास करते हैं। न्यूट्रोफिल साइटोकाइन मुक्त करते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को सामान्य रूप से सक्रिय करता है। इसके कारण आम बैक्टीरिया जनित न्यूमोनिया के कारण होने वाले बुखार, ठिठुरन और थकान जैसे लक्षण होते हैं। न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया और आसपास की रक्त वाहिकाओं से तरल एल्वियोलोली में भर जाता है, या आप एक्सरे में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं श्वसन तथा परिधि यानी सर्कुलेटरी तंत्र की विफलता कैसे होती है। न्यूमोनिया गंभीर श्वसन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS को शुरू करके श्वसन विफलता पैदा कर सकता है, जो संक्रमण और सूजन के संयोजन की प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। फेफड़ों में तरल भर जाता है और वे सख्त हो जाते हैं। इस शक्ति के साथ एल्वियोलर तरल के कारण ऑक्सीजन निष्कर्षण में गंभीर कठिनाई के संयोजन के चलते उत्तर जीविता हेतु लंबी अवधि के लिए यांत्रिक श्वसन की आवश्यकता पड़ सकती है। सेप्सिस न्यूमोनिया की एक संभावित जटिलता है, लेकिन आमतौर पर केवल उन लोगों में होती है जिनमें खराब प्रतिरक्षा होती है। सबसे आमतौर पर शामिल जीवों में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और क्लेबिशियला न्यूमोनिया शामिल है। हमने यहाँ तक देख लिया कि न्यूमोनिया ही कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के मरने का मुख्य कारण है, इसलिए न्यूमोनिया के बारे में हमने आपको थोड़ा सा परिचय दिया। अब अगली वीडियो में हम आपको
इससे बचने और इस वायरस को निष्क्रिय करने का निष्क्रिय करने के लिए होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताएंगे, जिसे आप कतई मिस ना करें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। होम्योपैथी दवाएं दोनों तरह से काम करती हैं। पहली, हमारे शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली को यानी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं और वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। होम्योपैथी एक नेचुरल सोर्स से आती है, इसलिए इसमें साइड इफेक्ट की गुंजाइश भी नहीं होती है। और होम्योपैथिक दवाएं किसी भी वायरस को आसानी से किल कर सकती हैं। यही हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो इसमें बहुत ही कारगर हैं, जिसमें मैंने काफ़ी समय दिया है। इस संबंध में मैंने यूपी गवर्नमेंट को पत्राचार भी किया था कि अगर अवसर मिले तो कोरोना संक्रमित मरीजों को मैं डायरेक्ट भी दवा देकर ठीक कर सकता हूँ। हालांकि अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये उपचार या ये तरीका या ये दवाएं मैं आप सब तक YouTube के माध्यम से आसानी से पहुंचा सकता हूं, जिसे कोई भी जान सकता है, मार्केट से ले भी सकता है, या कोई दिक्कत होती है, नहीं मिलती है तो वो हमारे दिए एड्रेस पे या फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे या ईमेल के द्वारा या कमेंट्स में मुझे कह सकता है, मंगा सकता है। वो सारी दवाएं अपने पास अवेलेबल हैं। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो को अंत तक देखें और आगे देखते रहें। अभी मैं कोरोना के विषय में बोल रहा हूँ, इसके अलावा अन्य विषयों पर भी मैं अपनी वीडियो डालूँगा। धन्यवाद।